पहुंच रही है। अभी अभी कुछ कम आवाज रही, पहले तो बढ़िया था, आवाज कम थी, आवाज अब पहुंच रही है, थोड़ा सा बढ़ाइए ना, थोड़ा सा बढ़ाए या फिर मैंने सेटिंग कम किया हो। मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं, हमारे पास भी बहुत कम आ रही है आवाज। आवाज कम है, अभी कट के भी आ रही है। पूरा अपना वॉल्यूम खुला हुआ है, इससे काम चलेगा क्या इतना? हाँ, ये बढ़िया थोड़ा, हाँ बढ़िया है ये, बस इससे ज्यादा शायद नहीं हो पाएगा। नहीं, बहुत है, काफी है, काफी है, धन्यवाद। चलिए, एक बार पुनः सभी को श्री राम जी की जय हो। और अभी हमने बहुत सुंदर व्याख्यान बालाजी का सुना, मैं उनको बधाई देता हूँ, उन्होंने बहुत सारी चीजें से अपडेट किया है। मेरा कुछ वर्षों पहले इंडोनेशिया जाना हुआ था, तब वहां पर मैंने काकवेन रामायण और वहां पर जो रामलीला होती वो देखी थी, और हिकायत श्री राम के बारे में भी मैंने काफी कुछ पढ़ा हुआ है, तो वो सब उन्होंने रिकॉल करने का अवसर दिया मुझे, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमसे छूट रही थी उनको भी बताया। दरअसल वो जो रामायण है जिसके बारे में बालाजी ने भी बताया, वो अध्यात्म से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि एक वहां पर एक सोशल वैल्यूज रखने वाली रामायण है, तो उसके बारे में तो हम उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। और दूसरी बधाई मैं देता हूँ हमारे जो एंकर हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, आदरणीय ओम गुप्ता जी, जो एक प्रकार किसी ना किसी बहाने से बुला ही लेते हैं, और मैं जैसा पहले भी कहता रहा हूँ कि उनके आदेश को नकारना तो संभव ही नहीं है, तो इसी बहाने आप सबके से मुलाकात भी हो जाती है, और मुझे भी लगता है कि काफी समय से मेरा थोड़ी व्यस्तता बढ़ गई है, हालांकि ये सब बहाना ही होता है, लेकिन निश्चित रूप से आप यकीन मानिए विनीता जी भी मुझे दिख रही हैं, और भी काफी सारे मित्र लोग बैठे हुए हैं, राकेश चुबे जी भी हमारे भोपाल के हैं, हमारे मित्र हैं, वो चूंकि मेरे कार्यालय आए हैं तो उनको मालूम है कि इन सब चीजों के बाद भी थोड़ी व्यस्तताओं के कारण हम कक्षा में नहीं आ पा रहे, लेकिन अभी अवसर मिला है, और हालांकि मेरा स्वास्थ्य उतना साथ नहीं दे रहा है, आज थोड़ा सा मौसम भोपाल में बहुत गड़बड़ था, दिन भर बारिश होती रही और ठंड भी थोड़ी सी है, तो मैं कुछ खास खास बातें ही भुसंडी रामायण के बारे में बताना चाहता हूँ जो मेरे संज्ञान में आई। मेरा जो रामायण पर काम है उसमें काफी सारी रामायण है, और ये संख्या गुप्ता जी आपके आशीर्वाद से, प्रभु जी की कृपा से संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और अभी आज ही हमने एक हमारी किताब का टाइटल तय किया है जिसका नाम हमने रखा है सतकोटी रामायण, यानी जो तुलसीदास जी की सात कोटी अपारा वाली बात है, तो इसमें हम 700 जो ग्रंथ हैं रामायण पर आधारित उनको रखेंगे, और उसका फर्स्ट वॉल्यूम लगभग प्रेस में है, तो लगभग 108 रामायण फर्स्ट वॉल्यूम में रहेंगे, इस तरह से 7 वॉल्यूम उसके रहेंगे, तो हो सकता है कि उसमें फर्स्ट वॉल्यूम में ही काक भुसुंडी रामायण को भी आपको देखने को अलग से मिल जाए। तो चलिए, मैं जो थोड़ी बहुत जानकारी इस कम समय में सोच पाया हूँ वो आपको बताता हूँ, इस प्रत्याशा में कि काक भुसुंडी जी के नाम से सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका काक भुसुंडी जी और गरुड़ जी के माध्यम से कही है, और वो कहानी आपने निश्चित रूप से पढ़ी होगी। रामचरितमानस के सभी सुधी विद्वान हैं यहाँ पर, जितने भी ऑडियंस हमारे सामने बैठे हुए हैं, इसलिए मैं मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग रामचरितमानस में जितना काक भुसुंडी जी के बारे में बताया गया है उतना तो आप हम सब जानते ही हैं, लेकिन जैसा कि अभी गुप्ता जी ने संकेत दिया कि जो भुसुंडी रामायण है वो बहुत पुरानी रचना है, और निश्चित रूप से उसका अध्ययन करने के बाद या उससे प्रभावित होने के बाद ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में काक भुसुंडी का प्रयोग, उस पात्र का प्रयोग किया होगा, क्योंकि इस पात्र का प्रयोग तो वाल्मीकि जी ने भी नहीं किया, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये कैरेक्टर जो भुसुंडी जी का है वो किस रूप में रामकथा के साथ में जुड़ता है, और उसकी यात्रा कितनी लंबी रहती है, और वो पूरी की पूरी यात्रा तुलसीदास जी से पहले की है,
तो जो तुलसीदास जी में हम रामचरितमानस में जिस काल भूषणी जी की चर्चा हम सुन पाते हैं या उनके बारे में जान पाते हैं, दो तीन चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है रामचरितमानस की, केवल उनका नाम उल्लेख करना चाहता हूँ। जैसे एक तो मानस रोगों की बात उन्होंने जो की है, एक बहुत ही बड़ा दर्शन दार्शनिक चर्चा है कागभूषणी गरुड़ संवाद की। और इसके अलावा उसमें आप पढ़ेंगे, उसमें मैं समय नहीं लूंगा क्योंकि समय आज कम रहेगा अपने पास बात करने को। उसमें जो उन्होंने बात कही है कि किस तरह से उनको शापित होने के बाद वो कौए के रूप में भूषणी जी आए हैं और उन्होंने फिर राम जी की कृपा प्राप्त की है, ये कथा बहुत विस्तार से समझाते हुए अलग अलग, आजकल तो गूगल बाबा भी बता देते हैं ये सारी बातें, लेकिन रामचरितमानस में आप ओरिजिनल रूप में पढ़ेंगे तो आपको ये सब मालूम पड़ जाएगा कि किस रूप में जो ये कथा का जन्म होता है। बस एक लाइन की कथा ये है कि उज्जैन का नाम भी इसमें है आता है, अयोध्या में तो अकाल पड़ गया था और कागभूषणी जी जो है वो उज्जैन पधारे और वहां पर उन्होंने एक ब्राह्मण की सेवा करने लगे, वहां पर उनसे कुछ त्रुटि हो गई तो उसके बाद फिर उनको शाप मिल गया और वो सर्प बन गए, सर्प योनि में चले गए और हजारों योनियों तक वो शापित रहे। फिर उसके बाद उनको अंतिम जो रूप मिला वो ब्राह्मण का मिला, तब वो लोमश ऋषि जो थे उनके पास गए, वहां भी उनसे कुछ गुरु चर्चा में कुछ त्रुटि हो गई और उसके बाद फिर उन्हें कौए का रूप मिला और यहाँ भी, लेकिन एक साथ में वरदान ये चलता रहा कि वो अपनी पुरानी चीजों को भूलेंगे नहीं और राम जी के भक्त बने रहेंगे। इस रूप में ये रामचरितमानस की कथा कागभूषणी साथ में चलती है और एक बहुत सुंदर संवाद योजना, जिसे गुप्ता जी ने तो कई बार अलग से भी व्याख्या करने का प्रयास किया है कि जो संवाद है, जो चार बड़े संवाद है रामचरितमानस के, उसमें से एक महत्वपूर्ण संवाद कागभूषणी और गरुड़ जी का। तो ये इस भूमिका के साथ में मैं कुछ, मेरे पास स्लाइड्स हैं जिनके माध्यम से मैं शेयर कर सकता हूं ना? जी अवश्य। जी तो मुझे लगता है कि दिख रहा है ना शायद? हाँ दिख रहा है। तो ये एक पुस्तक मैंने दी है कवर पर, ये भूषणी रामायण है, आदि रामायण जिसे हम कहते हैं उसी का हिस्सा है और ये मैंने इलाहाबाद के एक छोटे से पुस्तकालय में इसके दो तीन तरह के वेरिएशंस देखे हैं, तो उसमें से एक छोटी सी पुस्तिका, हालांकि वो पुस्तक मेरे पास नहीं थी लेकिन उसके मैंने काफी सारी फोटो कॉपीज करवा कर और लेकर आया था और कुछ कुछ खंडित भी थी और कुछ समझ में नहीं आने वाली चीजें भी थी क्योंकि पूरी कथा को पढ़ना, पूरी रामायण को पढ़ना तो संभव भी नहीं था उतने कम समय में। तो जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसके आधार पर ये एक चित्र है, ये बड़ा चर्चित चित्र है, इसके माध्यम से भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं आपको। तो हाँ, ये जिसकी हम बात कर रहे थे कि कागभूषणी और गरुड़ जी का संवाद राम कथा का बड़ा चर्चित हिस्सा है, जिसके माध्यम से हम लोग उत्सुक होते हैं जानने के लिए कि आखिर कागभूषणी जी कौन हैं और वो तुलसीदास जी के मन में ये विचार कैसे आया, तुलसीदास जी ने कागभूषणी जी को अपना कथा का पात्र क्यों बनाया। तो उसमें ये विचारने की बात है कि हमारे जो जो रामायण जी की आरती हम लोग पढ़ते हैं, देखिए आरती तो हम करते हैं रामचरितमानस की, लेकिन उसका हम जो उल्लेख करते हैं वो कहते हैं कि आरती रामायण जी की, और उसमें गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागभूषणी गरुड़ की के ही की, यानी आरती में भी हम कागभूषणी और गरुड़ जी का नाम लेते हैं। ये उनकी महत्वपूर्णता को दिखाता है कि कितना महत्वपूर्ण पात्र है ये, क्योंकि इस आरती में बहुत सारे महत्वपूर्ण पात्रों के नाम नहीं आते बल्कि कागभूषणी और गरुड़ जी का नाम आता है। हम देखते आए हैं, ये बड़ा विचित्र है, आप इस दृश्य को सामान्य रूप से देखें, अपने भक्ति को थोड़ा सा दूर रख दें, अध्यात्म को थोड़ा दूर रख दें, तो देखेंगे कि एक गरुड़ है और एक कौआ है, दोनों बैठे हुए हैं और दोनों बातचीत कर रहे हैं। ये चित्र मैंने इसीलिए जानबूझ कर रखा है ताकि यहाँ पर थोड़ा सा रुक कर इस पर बातचीत की जा सके। और गरुड़ जी
श्रोता की भूमिका में हैं और जो काकभूषण जी हैं वो प्रवचन कर रहे हैं, कथावाचक। आप देखिए कथावाचक की जो भूमिका है उसका निर्वहन यहाँ पर हो रहा है काकभूषण जी के द्वारा। तो अगर आप ये देखें कि प्रथम प्रवचनकार अगर कोई है तो वो सही रूप में तो काकभूषण जी हैं, जो अपने श्रोता को कथा का वाचन करा रहे हैं राम कथा का। और उनके कथावाचक जो हैं, कथा सुनने वाले श्रोता कौन है, गरुड़ जी हैं, और अकेले हैं। ये भी आप ध्यान दें, जब हमारे गूगल पर हम कोई मीट करते हैं और हमारे श्रोता बंधु बहुत कम होते हैं तो हम लोग चिंतित हो जाते हैं कि आज तो बहुत कम लोग हैं। लेकिन बिल्कुल चिंता ना कीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो जब कथा होती है तो एक ही पात्र है। यहाँ पर देखें आप कि गरुड़ जी अकेले पात्र हैं जिनके सामने ये कथा कही जा रही है। और ये अकेले ऐसे नहीं है, जब आप देखेंगे कि गीता का जो प्रवचन दिया था कृष्ण जी ने तो अर्जुन अकेले ही थे वहां पर भी। और इसी तरह से और भी, जब अपने शिव जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं तो पार्वती जी भी अकेली श्रोता हैं। सुखदेव जी जब भागवत सुना रहे हैं तो परीक्षित जी भी अकेले ही श्रोता हैं। तो यहाँ पर जो काकभूषण जी कथा सुना रहे हैं तो अकेले श्रोता केवल और केवल गरुड़ जी हैं। फिर शौनक जी ने जो अपनी ओपन स्कूल की तरह शुरू कर दिया और सब लोगों को जोड़ने का प्रयास किया कि आइए ओपन स्कूल है ये तो, और सभी लोग भक्ति भाव से आए और इस कथा का श्रवण करें, तो ये परंपरा चल पड़ी। तो एक प्रवचनकार के रूप में भी हम काकभूषण जी को देखते हैं। जो कथा के की उत्पत्ति हुई है रामकथा की, उसमें हम सब लोग जानते हैं, जैसा कि अलग अलग कथाओं के माध्यम से और हमारे मानस में जो बात आती है कि ये इस कथा का निर्माण तो शिवजी ने ही किया है। मैं बहुत तेजी से चलूंगा क्योंकि मुझे कुछ विशेष बातें प्रचंडी रामायण के बारे में बताना है। सबसे पहले कथा का रचना, रामकथा की सृष्टि शिवजी ने की है, और उनकी प्रथम शिष्या है, उनकी प्रथम शिष्या है पार्वती जी, जिनको उन्होंने कथा सुनाई है। और दूसरे शिष्य यदि कोई है शिव जी के तो वो है काकभूषण जी, जिसके बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है कि सोई शिव काकभूषण दीना, वो कथा का जो प्रसाद था वो उन्होंने भूषण महाराज जी को दिया। और फिर काकभूषण जी ने अपने शिष्य याग्वल्क्य जी को दिया, इसके बारे में भी तुलसीदास जी ने लिखा है कि 23 सन याग जाग बलिक मुनि पावा, और उनसे फिर भारद्वाज जी ने लिया, तिन पुनि भारद्वाज प्रतिगावा। इस तरह की चौपाइयां रामचरितमानस में ये प्रमाण देती हैं कि ये क्रम रहा है और इस राम कथा का प्रवाह इस रूप में बढ़ता रहा है, जिसमें भूषण जी की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन आप ये भी देखें कि ये कहीं अतिशयोक्ति लगती है हमें कि कौआ एक गरुड़ को कथा सुना रहा है। हमारी संस्कृति में तो ये सब है ही, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे वांग्मय में सारे जीव हैं। रामकथा में भी ना जाने कितने ऐसे जीव आए हैं जिनके बारे में हम लोग सोचते हैं कि ये कैसे संभव है। वानर तो है ही, भालू हैं, जामवंत जी हैं, हिरण के रूप में मारीच आ जाते हैं, कौए के रूप में जयंत जी आ जाते हैं। इस तरह के अनेक जीव हैं जो रामकथा का हिस्सा बनते हैं। तो उसी रूप में भी काकभूषण जी और गरुड़ जी भी यहाँ पर उसका हिस्सा बन रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो परंपरा रही है कि अर्धनारेश्वर रहे हैं, या गणेश जी जो हैं आप देखें तो वो भी आधे हैं, नरसिंह भक्त है ना, और इसी तरह से एकानंद, चतुरानंद, पंचानंद, हाथी, चूहा, मोर, ये सब हमारे इनके वाहन रहे हैं। तो उसी रूप में इसको आप देखते हुए चलें। और अब मैं आपको ले चलता हूँ, ये दो पुस्तकों का मैंने आपको कवर चित्र दिखा रहा हूँ, ये काकभूषणी रामायण की पुस्तकें हैं। ये मुझे मेरे मित्र ने भेजी हैं, और इसमें से ये जो एक पुस्तक तो दोहा चौपाई में लिखी है, हिंदी भाषा में ही है, और एक में कुछ और मिश्रित भाषा है, शायद बुंदेली और ब्रज को मिलाकर किसी ने, नए व्यक्ति ने प्रयोग किया है। तो मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा है कि प्रयोग है, काकभूषण जी के नाम से लोगों ने अपनी रामायण लिखने का प्रयास भी किया है अलग से, तो इससे हमें भ्रम होता है कि वो ओरिजिनल जो रामायण है वो कौन सी है। तो उस पर मैं अभी बात करने वाला हूँ, यहाँ पर ये बताने के लिए कि जो काकभूषणी रामायण जो आप देख रहे हैं हरिद्वार से प्रकाशित हुई है, ये दोहा चौपाई की एक नई सी रामायण है, जैसे किसी जिज्ञासु कवि ने अपने तरह से रचकर और इस तरह का नाम उसको दे रखा है।
मेरी एक पुस्तक आई थी, यहाँ बताना प्रासंगिक है, रामायण 2 वर्ष पहले प्रकाशित हुई, उसमें भुसुंडी रामायण के बारे में मैंने एक लेख प्रकाशित किया है, उसकी समीक्षा की थी, और उसके बाद फिर मैंने उस पर काफी सारा काम किया। मेरी आने वाली पुस्तकों में भुसुंडी रामायण पर काफी विस्तार से चीजें आने वाली हैं, तो जिनके पास ये पुस्तक है वो उनको भुसुंडी रामायण के बारे में बहुत सारी सूचनाएं मैंने उसमें देने का प्रयास किया है। हम चलते हैं अब भुसुंडी रामायण के उस ओरिजिन पर कि जहां से भुसुंडी जी का हमें परिचय प्राप्त होता है वाल्मीकि जी की रामायण के बाद। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण रामायण है ये, सबसे बड़ी सबसे अधिक पृष्ठों वाली रामायण है योग वशिष्ठ रामायण। इसके मैंने बहुत सारे पृष्ठों को पढ़ा है, उसका अनुवाद भी पढ़ने का प्रयास किया है संस्कृत से हिंदी में, और बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो जिसका जितना इसका अध्ययन किया जाए इस पर बहुत सारा शोध करवाने की और काम करने की आवश्यकता है। ये बहुत ही बिरली और विशेष रामायण है योग वशिष्ठ रामायण, जैसे हम इसे अंदाज लगा ही सकते हैं कि इसमें दो शब्द हैं योग और वशिष्ठ। तो वशिष्ठ जी ने योग के बारे में शिक्षा दी है अपने शिष्यों को, जिनमें राम भी सम्मिलित हैं, उसका यहाँ पर उल्लेख है। हालांकि इसमें राम कथा नहीं है, तो इसमें यहाँ पर जो काकभूषुंडी जी का जो चित्रण है उनका भी राम कथा से कोई संबंध नहीं है, लेकिन काकभूषुंडी जी के जन्म की कथा इसमें आपको मिलती है। सर्ग 14-24 में जो उसका अंतिम प्रकरण है, प्रकरण यानी अध्याय, उसमें कुछ हिस्से में उन्होंने काकभूषुंडी जी के बारे में बताया है कि चंड नामक एक काक जो थे वो इनके पिता थे, और वो अलवंसा नाम की देवी जो होती थी उनके वाहक थे। ये 21 भाई थे और इनकी माता जो थी वो ब्राह्मी भागवती के रथ की हंसनी थी, यानी हंस और कौए का जो संबंध होता है वो भी इसमें उल्लेख करने का प्रयास किया है कि हंसनी माता भगवती के पुत्र काक हुए, और वो 21 भाई थे जिनमें से एक काकभूषुंडी भी थे। फिर ये सुमेरु पर्वत पर निवास करने के लिए चले गए और वहां पर उनके सारे भाई जो उनका वो मर गए और ये जीवित रहे। तो ये कुछ सूचना इसमें हमें मिलती है, इसलिए मैंने इस रामायण का यहाँ पर उल्लेख करना उचित समझा है। ये भुसुंडी रामायण का एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें खास बात यह है कि पूरा खंड लिखा हुआ है, जो आदि रामायण है उसका उसके 4 खंड हैं, और जो पूरव खंड है वो माना जाता है कि वही असली भुसुंडी रामायण है। और इसका प्रमाण ये है कि आदि रामायण के पूर्व खंड में जो 7वां अध्याय है उसका समापन इस रूप में किया है कि आदि रामायणम नाम श्री रामचरितम शुभम आदि रामायणम दिव्य ब्राह्मे कल्पे विनिर्मितम, और प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर लिखा है कि इति इति मदादि रामायणे ब्रह्म भुसुंडी संवादे, ब्रह्मा भुसुंडी संवादे, यानी ब्रह्मा जी और भुसुंडी जी का संवाद हुआ है और वो कथा भुसुंडी रामायण में वर्णित थे। तो पहला सूत्र हमें यह मिलता है कि भुसुंडी रामायण में जो संवाद है वो ब्रह्मा जी और भुसुंडी जी का है, और वहां पर भुसुंडी जी श्रोता की भूमिका में है, वहां पर वो कथा नहीं कर रहे हैं बल्कि ब्रह्मा जी से कथा सुन रहे हैं। ये एक बिल्कुल पौराणिक पद्धति का एक ग्रंथ है भुसुंडी रामायण, जिसमें 4 अध्याय है, पूर्व खंड, दक्षिण खंड, पश्चिम खंड, उत्तर खंड। और सबसे खास बात यह है कि इसमें जो हमारे नए सिद्धांत हैं जैसे हम विशिष्ट अद्वैत और श्री संप्रदाय वगैरह मानते हैं, इनका ओरिजिन हमें उसमें मिल जाता है। इसमें बहुत सारे तीर्थों की चर्चा भी है, जिसमें मथुरा के जो तीर्थ हैं उनकी बहुत सारे उल्लेख हमें भुसुंडी रामायण में देखने को मिलते हैं। तो मेरा ये सोचना है, और बल्कि मैं गुप्ता जी से इस विषय में बात भी कर चुका हूँ, कि भले ही राम त्रेता में हुए और उसके बाद द्वापर आया और कृष्ण आए, लेकिन कृष्ण पहले चर्चित हो गए थे। हमारे वाङ्मय में कृष्ण की कथाएं पहले मिलती हैं, राम की कथाएं बाद में लिखी गई या बाद में चर्चित हुई। तो उस तरह से भी आप इसको देखेंगे कि भुसुंडी रामायण में मथुरा के तीर्थों का उल्लेख और जो कृष्ण के साथ में जो बहुत सारी लीलाएं हुई हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो उनका उल्लेख भी सबसे पहले हमें भुसुंडी रामायण में देखने को मिलता है। और तुलसीदास जी के पास निश्चित रूप से भुसुंडी रामायण की कोई ना कोई प्रति रही होगी, या उन्होंने सुनी होगी अपने गुरु जी से, या उसको पढ़ा होगा, तभी उन्होंने भुसुंडी को अपनी रामचरितमानस का एक कैरेक्टर बनाया है। आप ये भी इसमें देखें कि भुसुंडी रामायण में काकभूषुंडी जी
केवल और केवल एक श्रोता के रूप में है, वो ब्रह्मा जी से रामकथा सुन रहे हैं। और काल की बहन, यमराज की बहन कालकंटकी इनकी माता बताई गई हैं, सूर्य इनके पिता हैं, और इन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया और विष्णु जी के वाहन गरुड़ को इन्होंने पराजित किया है। तो ये भी इसका एक बड़ा सा महत्वपूर्ण है। और इतने अधिक प्रभावित रहे वो रामकथा सुनकर कि वो राम के बहुत बड़े भक्त बन गए। और बहुत सारे चीजें हैं जिसमें कई बार वो संकट में भी आए और फिर उनको कुछ वरदान थे जिनके कारण उन्होंने उससे अपने आप को बचाया भी। यहाँ पर इनकी कुछ विशेषताएं अगर आपका उल्लेख करूं तो भुसुंडी रामायण में ज्योतिष का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जो हमारे पास, अगर हम जिन चीजों की चर्चा करते हैं, श्री राम के जन्म मुहूर्त की सबसे पहली चर्चा जिस रूप में वाल्मीकि जी ने की है वो अपने आप में है ही, लेकिन उसके बाद भुसुंडी रामायण में बहुत विस्तार से मिलती है। चंपू रामायण है राजा भोज की लिखी हुई, जिसके बारे में कभी हम बात में बात करेंगे, उसमें भी ये चीज आती है देखने में कि राम जी के जन्म का मुहूर्त अगर सही आंकने का प्रयास किया है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि भुसुंडी रामायण जिस भी व्यक्ति ने लिखी होगी वो ज्योतिष के बहुत बड़े जानकार रहे हैं, और उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे मुहूर्तों को एकत्र करने का प्रयास किया है। रामनवमी, जानकी नवमी पर्व मनाने का एक विधिवत वर्णन इसमें देखने को मिलता है। बहुत सारी नदियों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, मंदाकिनी, यमुना, सरयू, इन सब का वर्णन है। सरयू के बारे में जो महात्मा हमें अन्य ग्रंथों में मिलता है, सबसे पहला उल्लेख भुसुंडी रामायण में देखने को मिलता है। इसी प्रकार ये कुछ और भी उसके हिस्से हैं, जैसे सेतु निर्माण। तो नल और नील ने सेतु बनाया, इसकी चर्चा हमें बहुत बाद में मिलती है, लेकिन सबसे पहले नल और नील के जीवन पर विस्तार से चर्चा करते हुए भुसुंडी रामायण में इसकी एक विधिवत प्रक्रिया बताई गई है। इस प्रकार से राजा भोज ने चंपू रामायण में हवाई जहाज बनाने की विधियां बता दी हैं। उन्होंने श्रीलंका में जो जो हवाई अड्डे हैं उनके बारे में भी बहुत सारे संकेत दे दिए हैं कि वहां पर किस तरह से हवाई सुविधाएं उपलब्ध रही होंगी। उसी तरह से सेतु निर्माण के बारे में कुछ तकनीकी चीजों की जानकारी भुसुंडी रामायण में मिलती है, हालांकि वो एक बहुत क्लिष्ट संस्कृत से जुड़ी हुई चीजें हैं जिसकी व्याख्या करना शायद मेरे बस की बात तो है नहीं, तो कोई उचित व्यक्ति ही उसको पढ़कर और उसका विश्लेषण कर सकता है कि किस रूप में वो सेतुओं का निर्माण किया गया, जिसे हम कहते हैं कि पत्थर तैर रहे थे या अल्प समय में ही वो सेतु समुद्र में बना दिया गया, जो एक बहुत बड़ी कल्पना है। फिर किस तरह से सेतु को पार करके वो श्रीलंका पहुंचते हैं, अंगद की जो कथा है उसको भी थोड़ा सा परिवर्तन इसमें देखा जा सकता है। मेघनाथ के साथ में पहला युद्ध होता है, ये एक बड़ी विचित्र सी घटना है कि जैसे ही हनुमान जी वहां जाते हैं और लंका में प्रवेश करते हैं, तो बाकी रामायण तो ये बोलती है कि वो लंकनी से और कहीं कहीं किसी किसी से उनका युद्ध होते हैं, लेकिन सबसे पहला जो युद्ध होता है वो मेघनाथ से युद्ध होता है, ऐसा भुसुंडी रामायण की चर्चा में आता है। क्योंकि मेघनाथ को शायद लंका का अधिपति या सेनापति घोषित कर रखा होगा। फिर नागपाश की जो घटना आती है, अहिरावण महिरावण, तो उसमें नहीं मिलते हैं, लेकिन नागपाश की घटना इसमें विशेष रूप से बताई है। और नागपाश की घटना के कारण ही गरुड़ जी फिर का भी चर्चा आती है कि गरुड़ जी, क्योंकि गरुड़ नाग के शत्रु होते हैं तो वो उनसे मुक्त कराते हैं। ये प्रसंग भी इसमें विस्तार से हैं, कुंभकर्ण का वध, मेघनाथ का वध, राम रावण की जो युद्ध अवधि मैंने बताया कि ज्योतिष के अनुसार गणना की गई है कि कितने समय युद्ध चला, फिर रावण का जो वध किया है उसका भी, उसमें भी थोड़ी सी चीजें बताई हैं कि नाभि में जो अमृत था वो उस रूप में नहीं है, इसमें उनका वध करने के लिए कुछ एक मंत्रों का उच्चार किया गया था और सूर्य की पूजा की थी राम जी ने, और उसके बाद फिर रावण का वध हुआ था। विभीषण के राज्याभिषेक का संकेत है इसमें। फिर वो जब अयोध्या वापस आते हैं और भरत से मिलते हैं, अभिषेक होता है, राम राजा बनते हैं पुनः, ये सारी चीजें हैं। और इसके अलावा सीता के वनगमन का उल्लेख भी यहाँ पर मिलता है, तो जिसे तुलसीदास जी ने छोड़ दिया है। तो इसमें आप दो चीजें विशेष रूप से देखें यहाँ पर कि जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका तिथिवार वर्णन हमें मिलता है, जिसके माध्यम से हम ज्योतिष को समझ पाते हैं कि ज्योतिष हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और आज की जो पंचांग है
उससे भी आप इसको मिलाकर देख सकते हैं। पूर्व खंड जो है उसमें श्री राम के जन्म का मास पक्ष तिथि नक्षत्र और का, तो जिसमें रामायण से जुड़ी हुई चीजों के को पंचांग के रूप में सम्मिलित किया है, उसमें ये नक्षत्र तिथि पक्ष वगैरह का उल्लेख विस्तार से मिलता है, तो इसके संकेत भी वहां पर हमें मिल जाते हैं। अब जैसा कि मैं बता रहा था कि जो कृष्ण का अवतार हुआ है वो तो बाद में हुआ, लेकिन उसकी चर्चा हमारे समाज में हमारी संस्कृति में पहले हो गई। हमारे देश में कृष्ण के मंदिर अधिक पुराने हैं, राम के मंदिर नए हैं, यानी कृष्ण की पूजा पहले की जाती थी, बाद में राम की पूजा आरंभ हुई। ये हमारा हमारी संस्कृति का प्रमाण है इसका। तो लेकिन भुसंडी रामायण हमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण देती है कि किस रूप में कृष्ण की पूजन और कृष्ण के चरित्र से प्रभावित होकर इन्हें राम के बाल चरित्र का वर्णन सबसे पहले भुसंडी रामायण में मिलता है, और जिसका जिसकी चर्चा फिर हमें कृष्ण के रूप में मिलती है बाद में, कि वही प्रसंग हमें कृष्ण के चरित्र के साथ में भी मिलने लगते हैं। रावण से कुमारों की रक्षा हेतु ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि नंदीगांव का हम चर्चा सुनते हैं, नंदीग्राम, जहां पर भरत जी अपनी पादुकाओं के साथ में, तो ये नंदीग्राम क्या है? ये नंदग्राम है, और नंद वहां पर भी एक गोप नंद है जो पास में ही रहते हैं, सरयू के पास में, और गोप प्रदेश एक पूरा शहर बसा हुआ है। रावण से बचाने के लिए राजा दशरथ जी अपने पुत्रों को गोप प्रदेश में भेज देते हैं, और वहां पर भी एक पूतना का नाम है, इसमें पूतना का नाम भी है कि राम जी पूतना का वध करते हैं, विकटासुर नाम का एक राक्षस है उसका वध करते हैं, कौशल्य जी को विश्वरूप के दर्शन देते हैं, माखन लीला करते हैं, इन्हें राम के द्वारा माखन लीला करने का वर्णन हमें मिलता है, तो वो मिलता है भुसंडी रामायण में। इसी तरह से आप ये देखें कि हमने कहीं कहीं सुना है कि राम गीता भी है, जैसे भगवत गीता है वैसे ही राम गीता भी है, तो राम गीता का जन्म भुसंडी रामायण में आपको देखने को मिलता है कि वहां पर राम गोपियों को या अपने सखियों को किस रूप में वो उपदेश देते हैं, और इसका उल्लेख इसमें मिलता है। वहां पर राम एक पत्नी व्रति नहीं है, ये मैं आपको अवश्य बताना चाहता हूँ कि उनके अनेक विवाह इसमें जरूर बताए गए हैं, लेकिन वो अपनी सखियों को, जो गोपियां जिनको हम कह सकते हैं, उनको ज्ञानोपदेश देते हैं, और उसको राम गीता के रूप में यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसी ग्रंथ में राम जी, सीता जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इनके शास्त्र नामों का उल्लेख है, जो नाम हम आज देखते हैं कि जिनको हम कभी मैथिली बोलते हैं, कभी सीता बोलते हैं, कभी जानकी बोलते हैं, तो बहुत सारे इस तरह के नामों की चर्चा, शास्त्र नाम का एक पूरा का पूरा अध्याय है जिसमें राम के, लक्ष्मण के, इन सबके कई कई नामों की चर्चा की गई है। ये व्याकरण की दृष्टि से और पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, अध्याय है, इसको जरूर ही हमारे भाषाविदों को देखना चाहिए। फिर इसके बाद आप ये देखें कि दशरथ जी जब तीर्थ दर्शन के बड़े शौकीन रहे, उनको राजा दशरथ ने तीर्थ यात्रा पर चले गए, राम को उन्होंने युवराज बनाया और तीर्थ के लिए चले गए हैं। ये घटना कुछ बाद में हुई कि उनका अभिषेक होना था, लेकिन इसमें अंतराल है, भुसंडी रामायण में ये अंतराल है कि राम के राजा बनाए जाने की घोषणा के बाद वो तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं और काशी, प्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ब्रज प्रदेश के अनेक तीर्थों की यात्रा करते हैं, और उसके बाद जब लौट के आते हैं तब ये षड्यंत्र प्रतिफलित होता है और फिर राम को वनवास होता है, इसकी चर्चा भी आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलती है। इन तीर्थों के साथ में जाते समय केकई उनके साथ में है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण और नवीन बात है जो आपको इस रामायण के माध्यम से मालूम पड़ती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और हैं, उनको बताता हूँ आगे के लिए। मुझे समय बता दीजिए कितना बचा है। 5-7 मिनट में खत्म करूं, क्योंकि
हाँ पांच मिनट, पांच मिनट में खत्म करता हूँ क्योंकि ये तो अनंत है और बहुत लंबा जाएगा। लक्ष्मण रेखा का पहला उल्लेख भुसंडी रामायण में मिलता है, ये आप अवश्य नोट कर लें। और भरत के द्वारा जिस तरह से राज्य किया गया है उसका बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है, एक कुशल राजा किस तरह से अपने राज्य का संचालन करता है। नंदीग्राम के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। बाद में राम ने अपने राज्य का विभाजन किया तो किस किस रूप में उन्होंने अपने पुत्रों को ये सब राज्य सौंपे हैं, शत्रुघ्न के पुत्रों को, भरत के पुत्रों को और लक्ष्मण के पुत्रों को कारापथ नाम का एक स्थान है वहां पर, वहां का पूरा राज्य दे दिया है। लव कुश को भी कुशावली और अवंती का राजा बनाया है, देखिए आप कुश को अवंती, अवंती हम बोलते हैं उज्जैन को, तो उज्जैन के आसपास का जो राज्य है वो राजा कुश को सौंपा होगा ऐसा भुसंडी रामायण के से आपको मालूम पड़ता है। जो मैंने कथा वाचन की प्रक्रिया बताई थी, अब इस भुसंडी रामायण के माध्यम से ये कथा का जन्म कैसे हुआ है, वहां तो शिवजी किससे के माध्यम से कथा चली है जो हमारे रामचरितमानस में है, शिवजी ने कथा को कहा है पार्वती जी से, लेकिन यहाँ पर जो कथा है वो पहले तो राम ने सीता को सुनाई है और फिर सीता जी ने लक्ष्मण को सुनाई है, लक्ष्मण जी ने भरत को सुनाई है, हनुमान जी ने राम जी के मुंह से सुनी है, फिर हयग्रीव हुए हैं उन्होंने अगस्त जी को सुनाई है और उनसे सुनकर ब्रह्मा जी ने भुसुंडी जी के समक्ष इस कथा का वाचन किया है। यानी भुसुंडी जी अंतिम श्रोता हैं इस कथा के, उन्होंने कहीं कुछ कहा नहीं है बल्कि इस कथा को केवल श्रवण किया है, तो भुसुंडी एक श्रोता के रूप में यहाँ पर आते हैं। इनका जो निवास स्थान है उसके बारे में आप रामचरितमानस में देख लीजिएगा, रामचरितमानस में विस्तार से बताया है कि काक भुसंडी जी कहाँ रहते हैं, नील पर्वत है नीलगिरी, लेकिन गूगल पर अब मैं सर्च कर रहा था तो एक शिखर है जिसका नाम भुसंडी पर्वत है, वो हमारे हिमालय पर्वत पर अभी है, उसका नाम ही भुसंडी शिखर रखा हुआ है और ऐसे संकेत मिलते हैं। तो भुसंडी रामायण तो यह कहती है कि उत्तर दिशा में ये इलावर्त व्रत वर्ष और किम पुरुष वर्ष और हरि वर्ष रम्यक वर्ष, ये वर्ष लगाने की परंपरा रही है स्थान के लिए, इसीलिए हमारे भारत को भी वर्ष कहा जाता है, भारत वर्ष जो कहा जाता है वो यही परंपरा है कि स्थानवाचक शब्द है, वर्ष जो है स्थानवाचक शब्द है। तो नीलगिरी पर्वत जो है वहां पर ये काक भुसंडी जी वहां पर निवास करते थे। एक बड़ी विचित्र सी बात है, इसमें तंत्र मंत्र का भी बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रही है और खेचरी विद्या जो होती है, खेचरी विद्या होती है कि जीभ बाहर निकालकर और किसी जिस तरह से छिपकली अपनी जीभ बाहर निकालकर या वो गिरगिट वगैरह अपनी जीभ को बाहर निकालकर किसी भी जीव को पकड़ लेते हैं, कीट को पकड़ लेते हैं, उसी तरह की विद्या खेचरी होती है और लक्ष्मण जी को खेचरी विद्या का पारंगत बताया है। पूर्व खंड का 54वां आप श्लोक देख सकते हैं, इसमें उन्होंने खेचरी विद्या का। और अंतिम एक बात कहकर मैं समाप्त करूंगा अपनी बात को कि कृष्ण के साथ में जब तक हम राधा की बात नहीं करते तब तक कृष्ण की कथा पूरी नहीं होती, लेकिन भुसंडी रामायण में जब तक आप सहजा की बात ना करें, सहजा भक्ति के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अवश्य ही सुना होगा, जो लोग रामकथा के प्रेमी हैं जानकार हैं वो जानते हैं कि सहजा भक्ति एक बहुत बड़ी ही भक्ति का एक रूप रहा है और सीता की तरह सहजा भी राम की स्वरूप शक्ति है, ये जो है मर्यादा शक्ति है सीता और सहजा जो है वो प्रेमा शक्ति है। तो और जो सहजा जो थी वो ब्रज प्रदेश के निवासी नंदन गोप और राजनी की पुत्री थी और सहजा के पति का नाम कुशल गोप बताया गया है, ये भुसंडी जी भुसंडी रामायण का प्रमाण बता रहा हूँ आपको, ये अयोध्या के बिल्कुल निकट का एक ग्राम है और सहजा के पति कुशल गोप है और उन सहजा से जो श्री राम जी का स्नेह है उसके कारण ही ये प्रेमा शक्ति का जन्म हुआ है और सहजा भक्ति जिससे कहा गया। और ये मेरी आने वाली पुस्तक है, इसमें मैं तीन काक भुसंडी जी पर तीन मेरे लेख इसमें आने वाले हैं, इसीलिए मैंने बहुत सारी चीजों को छुपा लिया है, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि जब तक वो प्रकाशित ना हो जाए तो उनके बारे में मुझे लगा कि अभी चर्चा ना की जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। और उसके बाद फिर मैं जय श्री राम कहता हूँ और सभी को नमस्कार करते हुए बस ये कहना चाहूंगा कि आपने मुझे ये अवसर दिया है
जिसके कारण मैं काग भूषणी जी के बारे में बात कर पाया और इनके बारे में विचार कर पाया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे वांग्मय को, मैं मानता हूं कि 10 रामायण ऐसी हैं जिन जो तुलसीदास जी से पहले की, जिनके कारण तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख पाए। यदि वो ग्रंथ उन्होंने उनके संज्ञान में नहीं होते तो शायद रामचरितमानस में, क्योंकि जब वो कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम संबद्ध, तो उसका अर्थ ही ये कि उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ है और उन ग्रंथों में जो चर्चाएं हैं, उन पुराणों में जो चर्चाएं हैं, उनके आधार पर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। तो उसमें से ये एक महत्वपूर्ण रामायण है भूषणी रामायण, जिसके बहुत सारी चीजों को निश्चित रूप से तुलसीदास जी ने ग्रहण किया है। और ये भी महत्वपूर्ण चर्चा है कि भूषणी पात्र को अमर बनाने के लिए या चर्चित बनाने के लिए आरंभ तो किया था भूषणी रामायण के जो रचनाकार हैं उन्होंने, लेकिन उसकी पूर्णाहुति हुई है, उसको अंतिम श्रेय दिया है तुलसीदास जी ने। और अपने आप में जो भूषणी रामायण, भूषणी जी और गरुड़ जी का जो संवाद है, वो अपने आप में एक अलग ही किस्सा है जिस पर हम कई कई दिनों तक बात कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ में, आप सब लोगों ने मेरी बात को इतना ध्यान से सुन लेते हैं, मैं बहुत अज्ञानी और अल्प ज्ञानी हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने का शौक है, इस कारण से ये सूचनाएं ग्रहण कर लेता हूँ। तो बस जो कुछ था आपके सामने प्रस्तुत किया है, जो कुछ त्रुटि रह गई उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम जी।